तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं उत्पाद सिपाही का रनिंग के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में, कि रनिंग का डेट कब आएगा और एडमिट कार्ड का डेट कब आएगा, ये बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला जो हम आपको वीडियो बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि मई में आपको ना ही रनिंग होने वाला है और ना ही एडमिट कार्ड आने वाला है, ये बात हम आपको क्लियर बता दिए थे कि मई में आपको एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, ना ही रनिंग होने वाला है। कारण क्या था कि मई में पंचायत चुनाव था, मई में पंचायत चुनाव था जो अभी चल भी रहा है, और पंचायत चुनाव के कारण आपका जो रनिंग होने वाला था एक्साइज पुलिस का, वो रनिंग नहीं हुआ। बहुत सारे कमेंट वगैरह भी किए सर कि आप कैसे बोल सकते हैं कि रनिंग नहीं होने वाला, कैलेंडर जारी कर दिया है। देखिए मेन पॉइंट होता है ना कि रनिंग करवाएगा, तो रनिंग करवाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स कहाँ बिजी है, तो चुनाव कराने में बिजी है, तो वहाँ रनिंग कहाँ से होगा। और यही पॉइंट है कि अभी जो रनिंग कब होने वाला है इस वीडियो में हम पूरा पूरी बताएंगे। इससे पहले हम आगे अपने बारे में बता देते हैं कि मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। यहाँ सारा कुछ के तैयारी कराया जाता है, यानी लैंग्वेज पेपर के भी तैयारी कराया जाता है। या नागपुरी आप लिए हुए हैं तो नागपुरी का क्लास दिया जाएगा, तो नागपुरी का जो क्लास करवाएंगे वो करवाएंगे करिश्मा मैम, और जो कोटा भी हम यहाँ पढ़वाते हैं तो कोटा का जो क्लास चलता है वो चलता है राजेश सर के द्वारा, यानी राजेश सर आपको कोटा के क्लास करवाएंगे, और जो मैम करवाएगी वो करवाएगी नागपुरी के, बहुत बढ़िया क्लास यहाँ चलता है। इसके अलावा मैथ, झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, ये सारा कुछ यहाँ क्लास चलता है हजारीबाग में। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। तो आपका जो रनिंग होने का तिथि है, ये जो हम बता रहे हैं और ये हम कहाँ से बता रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। अभी आप जेएसएससी खोलिएगा, जेएसएससी का मेन वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। बहुत सारा बंदा एक अफवाह उड़ा रहे थे कि एक्साइज पुलिस कैंसिल होने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। जो अब फॉर्म निकला है वो कैंसिल नहीं होगा, उसका प्रक्रिया टोटल होगा। अभी जेएसएससी का एक आया हुआ है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो आया है 19/5/2022 को। देखिए कभी भी हम वीडियो बनाते हैं तो हल्का रुक के बनाते हैं, क्योंकि स्थिर से हम आपको बता पाएं तो आपको समझ में आएगा मेरा बात। तो जो रनिंग होने वाला यहाँ देख रहे हैं कि 19/5/2022 का एक नोटिफिकेशन आया है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये वेरिफिकेशन का है, यानी जिनको जो पेमेंट नहीं कर पाए, यानी इसमें जो रिजेक्ट किया गया है कि जो फोटो अपलोड नहीं कर पाया, जो पेमेंट नहीं कर पाए, वो सभी को रिजेक्ट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जितना भी रोल नंबर दिया हुआ है ये सारा के रिजेक्ट किया गया है, जो पेमेंट नहीं किए हैं। कि जिनका जो पेमेंट हो चुका है, फोटो अपलोड कर चुके हैं, उनको रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो ये रिजेक्ट करने से मतलब कभी भी किसी भी फॉर्म को एडमिट कार्ड आने वाला रहता है, तो एडमिट कार्ड आने से पहले एक होता है जांच प्रक्रिया, और जांच प्रक्रिया यानी कहने का मतलब है जो एक्साइज पुलिस का अभी जो रनिंग होने वाला है, तो उससे पहले एडमिट कार्ड निकालने से पहले जांच प्रक्रिया करता है, यानी जांच प्रक्रिया करके ये जो निकला हुआ ये जो रोल नंबर है, यानी टोटल 38 गो विद्यार्थी हैं जिनका रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट क्यों किया गया है, क्योंकि वो भुगतान नहीं कर पाए हैं, और उन लोग को भुगतान का डेट भी दिया हुआ है, यानी 20 से लेकर 25/5/2022 तक, यानी कहने का मतलब है अभी 2 दिन और है, 2 दिन के अंदर वो पेमेंट फिर से कर सकते हैं। यानी जिनका ये रोल नंबर होगा आप देख लीजिएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमको संदेश मिलता है कि जो हम लोग का रनिंग होने वाला है वो होने वाला है जून के सेकेंड या तो तीसरा सप्ताह में रनिंग होने वाला है, जून के सेकेंड या तो तीसरा सप्ताह में रनिंग होने वाला है। क्यों, क्योंकि बताते हैं जून के फर्स्ट सप्ताह में भी रनिंग नहीं होगा। फर्स्ट सप्ताह में रनिंग क्यों
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना ही अभी तक एडमिट कार्ड का कोई खबर आया है, ना ही एडमिट कार्ड जारी किया है। तो लगभग भी होगा अभी तो आपका 27 मई तक तो चुनाव है, तो 27 मई तक चुनाव है। तो ऐसा ये बात नहीं है कि चुनाव से तुरंत आया डिप्टी से। अभी जितना भी जो प्रशासन की इकाई है अभी उसके बारे में बता रहे, सब अपने अपने स्थान पर भी जॉब कर रहे हैं, चुनाव में यहाँ वहाँ डिप्टी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद आया तुरंत दौड़ा दिया, तो वैसा नहीं होता है। कभी भी एक काम का एक लिमिट होता है, टाइम दिया जाता है। तो इतना जान लीजिए कि आपका फर्स्ट जून के फर्स्ट वीक में भी रनिंग नहीं होगा। आपका रनिंग होगा तो सेकेंड वीक या थर्ड वीक में रनिंग होगा, सेकेंड या थर्ड वीक में रनिंग होगा। और आपका जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो फर्स्ट जून तक आपको दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट जून यानी एक सप्ताह, यानी जून का जो पहला सप्ताह है उस समय एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और जस्ट उसका 10 या 15 दिन के बाद आपका रनिंग होगा। यानी कहने का मतलब है जून के तीसरा सप्ताह में आपका रनिंग होगा। तभी आपके पास समय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मई आपका खत्म हो गया है। जैसे बहुत सारा पहले जब उत्पाद सिपाही का जिसमें कैलेंडर में लिखा हुआ था अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में फील्ड वगैरह हर जगह भीड़ लगा रहता था, सब रनिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद अचानक जो इधर शादी ब्याह का जो मौसम आया, पूरा शादी ब्याह चुनाव, तो सब रनिंग करना छोड़ दिया है। तो जो रनिंग करना छोड़ दिए वो आप पछताइएगा, तो आप रनिंग करना जारी कर दीजिए। कारण क्या है कि आपका जून के दूसरा या तो तीसरा सप्ताह में रनिंग हो जाएगा। ये जो नोटिस आया हुआ है इसका मेन संदेश वही है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन हो रहा है और इसके थ्रू का हो रहा है कि जो पेमेंट 38 कैंडिडेट जो पेमेंट नहीं कर पाए उन लोग को फिर से ऑप्शन दिया जा रहा है पेमेंट करने का। यानी कहने का मतलब है इन्हें एक्साइज यानी जो उत्पाद सिपाही है उस पे काम चल रहा है, और चल रहा है। इतना जान लीजिए कि जून के आपका तीसरा सप्ताह में रनिंग हो जाएगा कंफर्म। तो जून के तीसरा सप्ताह में रनिंग हो जाएगा। तो आप सभी को हम बोलते हैं कि आप रनिंग करना चालू कर दीजिए, और ज़्यादातर शाम में रनिंग कीजिए। और कभी भी 30 राउंड मारिए, 25 राउंड मारना है तो 30 राउंड मारिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा दौड़ना है। आप कहे कि वहाँ दौड़ने के लिए आपको गर्मी में दौड़ाया जाएगा, तो गर्मी में दौड़ाया जाएगा, तो अभी से आप 30 राउंड की प्रैक्टिस कीजिएगा तो 25 राउंड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और मेरे यहाँ भी क्लास अभी नया नया SSC GD के करवाए हैं, पिछला साल 25 कैंडिडेट पढ़ रहा था, 25 में 15 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ, अभी रनिंग वगैरह भी सारा कुछ निकाल रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि आप SSC GD का तैयारी करना चाहते हैं, या झारखंड पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, या झारखंड दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ सारा कुछ क्लास दिया जाएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है तो उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि जून में आपका रनिंग होगा और वही जस्ट 2 महीना बाद आपका एग्जाम ले लेगा। तो आप अपना पढ़ाई और रनिंग दोनों जारी रखिए। और SSC GD का मार्च में बहाली आ रहा है, जिनका 170 से हाइट ज़्यादा होगा वो आप संपर्क कर लीजिएगा, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और इसी प्रकार हम आपको नोटिस देते रहेंगे और अलर्ट करते रहेंगे। हम बोले थे कि आपका मई में रनिंग नहीं होने वाला है, और इसमें बहुत सारे कमेंट वगैरह भी सब किया था सर कि आप कैसे बोल सकते कि मई में रनिंग नहीं होने वाला है। तो सही में नहीं हुआ, क्योंकि कारण था कि पंचायत चुनाव हो रहा था, और पंचायत चुनाव हो रहा था और पुलिस वहां ड्यूटी कर रहा था, तो एक बार में दो दो काम नहीं कर सकता है। तो इसी कारण इसका डेट बढ़ा दिया गया। और जो फॉर्म का है अभी जो निकलने वाला है वो निकलने वाला है उत्पाद सिपाही कछपाल, उसके बाद में अभी जो क्लर्क वाला हिंदी टाइपिंग वाला क्लर्क वाला वो आपका भराना चालू हो जाएगा। उसके अलावे फिर हम आपको बता दें, उसके बाद आपका 2023 में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि झारखंड पुलिस के बहाली कब आएगा, तो 2023 के फर्स्ट मंथ में आएगा या दिसंबर में आएगा, क्योंकि इधर काम करेगा। जैसे हम कोई भी बात बताते हैं तो एक अनुभव के थ्रू हम आपको बताते हैं, ऐसा बात नहीं कि मेरा जेक बोर्ड JSSC का जो बोर्ड है उससे लिंक है, वैसा कोई बात नहीं है। जो भी हम बताते हैं अनुभव के थ्रू, और वो बात सच होता है, सच होने के कारण है, एक्सपीरियंस एक माने रखता है, उस एक्सपीरियंस के कारण हम बताते हैं, और एक्सपीरियंस के चलते आपका जो भी हम बोलते हैं वो बात पूरा ये होता है। आप भी दिमाग लगाइए कि यहाँ वेरिफिकेशन का, तो वेरिफिकेशन एक बोले ना कि यहाँ 38 कैंडिडेट का जो पेमेंट नहीं किया तो उन लोग को रिजेक्ट किया गया, यानी फिर से उन लोग को मौका दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये संदेश आता है कि अभी काम इस पर हो रहा है, तो ये गारंटी है कि इधर दौड़ होगा, क्योंकि कैलेंडर से भी 1-2 महीना लेट होने चला है। तो चलिए फ्रेंड, अपना जो रनिंग है रनिंग जारी रखिए, और अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।